अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जर्मनी का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में दिखाऊंगा, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आप टूरिस्ट वीजा फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और आप उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे लीजिएगा और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा और हेल्प करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी होने के लिए सबसे पहला जो है वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन में कि आप कैसे अप्लाई कीजिएगा जर्मनी का टूरिस्ट वीजा। हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद यहाँ आप टाइप कीजिएगा VFS, एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए पहला जो लिंक है वेलकम टू VFS ग्लोबल, इसमें क्लिक कीजिएगा। ये आ गया इंटरफेस VFS ग्लोबल का। तो यहाँ पे सबसे बोल रहा है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और आई एम गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपका जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का यहाँ नाम लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो इंडिया लिखूँगा, और हम जा रहे हैं जर्मनी तो यहाँ हम जर्मनी लिखेंगे। आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है टेक मी टू द वेबसाइट, अब ये मुझे वेबसाइट में लेके जाएगा। देखिए ये आ गया यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो ऊपर बोला है जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कोयम्बटूर विल बी ओपन, जर्मनी का जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है कोयम्बटूर में वो ओपन रहेगा। ठीक है, आप जो कोयम्बटूर वाले हैं वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ बोल रहा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, और लास्ट है वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा में, स्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, सेकंड है बिगिन योर एप्लीकेशन, थर्ड है बुक एन अपॉइंटमेंट, फोर्थ है पे योर फीस, फिफ्थ है विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, सिक्स है ट्रैक योर एप्लीकेशन, सेवन्थ है कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला में जाएंगे, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में व्यू मोर में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सारा सिटी का नाम है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई। यहाँ पे बता दे रहा है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ये स्टेट वाले कर सकते हैं यहाँ से कोलकाता से। तो हम अगर हम कोलकाता के हैं तो कोलकाता में क्लिक करेंगे। आप जिस भी सिटी के हैं आप उस सिटी को क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। अब यहाँ आ गया वीज़ा टाइप। वीज़ा टाइप में सेलेक्ट वीज़ा टाइप मेरा क्या है, शॉर्ट टर्म वीज़ा, उसमें क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, ओवरव्यू, वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम और डाउनलोड फॉर्म। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। ये वीडियो आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो और नहीं देखने का ज़रूरत होगा, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड फॉर्म में जाएंगे। हम लोग यहाँ से क्लिक है टू फिल ऑनलाइन शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हम लोग सबसे पहले शेंगेन वीज़ा का जो जर्मनी का फॉर्म है वो फिल करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। हम लोग आ गए हैं देखिए जर्मनी के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। ये सब है जर्मन लैंग्वेज में, आप यहां से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले बोल रहा है पर्सनल डिटेल, एप्लीकेंट पर्सनल डेटा, मतलब आपको अपना यहां पे डेटा यहां पे फिल करना होगा। ये सब आपको मिल जाएगा आपके पासपोर्ट में, आप वहां से कर सकते हैं देख करके। सबसे पहले है फैमिली नेम, फैमिली नेम बेसिकली होता है सरनेम, अब अपना सरनेम यहाँ दे दीजिएगा। फिर नेम एट बर्थ, जो आपका नाम है बर्थ से वही दीजिएगा यहाँ पे। बेसिकली जो फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पे, ये भी नाम सेम आप दीजिएगा, ठीक है, सेम दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, जो आपके पासपोर्ट में है वही दीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं वो सिटी का नाम दे दीजिएगा, जैसे मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता दे दे रहा हूँ, आप दिल्ली, मुंबई, जहाँ आप पैदा हुए हैं वो नाम आप यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ बोला है कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुए हैं, मैं इंडिया, यहाँ पे इंडिया दे दीजिएगा। यहाँ बोला है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल, आप जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ बोला हिमाचल स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए, आप जो भी हैं, मैरिड, सिंगल, सेपरेट, वो जो आप हैं, आप अननोन या बार नहीं बताना चाहते अननोन भी रख सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल, मैं सिंगल है तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बोला करंट नेशनैलिटी इंडिया होगा यहाँ पे, फिर ओरिजिनल नेशनैलिटी यहाँ पे इंडिया होगा, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिए।
कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड है ऑक्यूपेशन, करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप जो हैं अगर आप मैनेजर तो मैनेजर से लेकर लीजिए, जर्नलिस्ट हैं, फार्मर है, फैशन कॉस्मेटिक, जो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करूँगा सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूबर लिख दूंगा। यूट्यूब स्ट्रीट जो है वो आप दे दीजिएगा, जो है मैं आपको सब एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप अपना एकदम सही दीजिएगा। हाउस नंबर आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हाउस नंबर, ठीक है। पोस्टल कोड दे दीजिएगा, टाउन सिटी कोलकाता बेसिकली, कंट्री इंडिया, यहाँ आप जहाँ काम करते हैं सिटी में दिल्ली मुंबई जहाँ भी आप काम करते हैं उस वो नाम दीजिएगा, कंट्री तो इंडिया रहेगा अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो। यहाँ बोला है कॉन्टैक्ट डेटा, एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट डेटा, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिर देना होगा, ठीक है। हाउस नंबर आप दे दीजिएगा देना चाहते हैं तो, पोस्टल कोड दे दीजिएगा, टाउन वही मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता दूंगा, आपका जो भी सिटी है आपका वो आप दीजिएगा, कंट्री इंडिया। अब यहाँ टेलीफोन नंबर आपको देना होगा, आप ईमेल एड्रेस दीजिएगा, फिर अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस दीजिएगा क्योंकि इसी में आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ बोला है इज योर रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन योर करंट नेशनलिटी, छोड़ दीजिएगा ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो यस कीजिएगा, फिर बताना होगा आपको यहाँ पे सब कुछ, बेसिकली मेरे पास नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ बोला है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में आपको बोला है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट में क्लिक कर दीजिएगा, फिर उसका नंबर आपको बताना होगा अपने पासपोर्ट का। फिर यहाँ आपको अगर देना है चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना है तो चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, ये बेसिकली होता है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे। फिर यहाँ बोला डेट ऑफ इशू, मीन्स आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है वो आप बता दीजिए, जब भी इशू हुआ है वो आप बता दीजिए, वैलिडिटी कब तक का है वो आपको बताना होगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, आप एकदम करेक्ट दीजिएगा जो आपके पासपोर्ट में है आप वही दीजिएगा। इशू स्टेट कौन से कहाँ से हुआ, इंडिया, यहाँ पे यहाँ इंडिया आएगा। इशूड बाय किससे हुआ, इंडियन गवर्नमेंट। इशूड इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ बायोमेट्रिक में पूछ रहा है कि आपका भी बायोमेट्रिक दिए हैं, यस तो बताइए कब दिए हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दिए, कुछ नहीं करना क्योंकि नो का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे बोला है ट्रैवल डेटा, सबसे पहले पूछ रहा है पर्पस ऑफ योर जर्नी, आपका पर्पस क्या है, टूरिज्म, अदर स्पेसिफिकेशन में टूरिज्म लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ बोल रहा है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ जर्मनी लिख दीजिए, कहाँ गया जर्मनी, मेन ट्रैवल जर्मनी, नंबर ऑफ एंट्री सिंगल। अब यहाँ पूछा कब आप जाना चाहते हैं, ठीक है। आप अपना डेट आइटिनरी सही से बनाइएगा, जो आप आइटिनरी बना रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 10 तारीख को जाऊँगा जून के और आऊँगा 20 तारीख को, 10 दिन का मेरा ट्रिप रहेगा, मैं 10 दिन में आ जाऊँगा। फिर बोल रहा है एंट्री परमिट, ये वेयर ये आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने, छोड़ दीजिए इसको नॉर्मली, जहाँ वेयर एप्लीकेबल लिखा हो ना वहाँ पर ज़रूरत नहीं होता कुछ करने का। फिर बोला है रेफरेंस, आपको रेफरेंस बताना होगा, यहाँ देखिए इनवाइटिंग पर्सन है, इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, होटल है, अगर आप होटल बुक करके जा रहे हैं तो होटल बुक, यहाँ पे होटल सेलेक्ट कीजिए, होटल का नाम दीजिए, एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, होटल रिजर्वेशन नंबर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, आपको सब मिल जाएगा booking.com में, अगर आप booking.com से कर रहे होंगे बुक तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये सब ज़रूरत नहीं है देने का। सिंपली स्ट्रीट में आइएगा, स्ट्रीट का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, आपको सब मिल जाएगा सब booking.com में, कुछ नहीं करना हो। हाउस नंबर दे दीजिएगा, पोस्टल कोड दे दीजिएगा, जो है वहाँ आपको मिल जाएगा, सिटी किस सिटी में एंटर कीजिएगा, बर्लिन, मैं सब आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। आप जो सेलेक्ट कीजिएगा, जो आप बुक कीजिएगा
तब आपको booking.com में टाउन सिटी पोस्टल कोड स्ट्रीट सब मिल जाएगा। आप वहां से कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट करना है आपको बस, यहाँ जर्मनी दे दीजिएगा। फिर यहाँ आपको उसका नंबर देना है और जो होटल बुक किए हैं, और टेलीफोन मीन्स ईमेल एड्रेस आपको देना है उस होटल का। अब हम नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ बोल रहा है अजम्पशन ऑफ कॉस्ट, नीचे आएंगे यहाँ बोल रहा है कि आप खुद से जाना चाह रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी आपको कोई होस्ट कर रहा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप खुद से जाना चाह रहे हैं तो इसमें पहले वाले में सेलेक्ट कीजिएगा। फिर बोल रहा है मीन ऑफ सपोर्ट, आप क्या क्या लेके जा रहे हैं, आप कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अकोमोडेशन पेड इन एडवांस कर लीजिएगा, और अदर्स में आप डेबिट कार्ड और ट्रैवल इंश्योरेंस लिख लीजिएगा सेफ्टी के लिए। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू। अब ये आपका फॉर्म फिल हो गया, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हो गया, सब कुछ फिल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर जर्मनी का वीजा कंप्लीट। हम लोग अपना एप्लीकेशन फिल कर लिया है जर्मनी का। अब हम लोग क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हम लोग को थर्ड में जाना है, बुक एन अपॉइंटमेंट में, या व्यू मोर में क्लिक करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे। ये लोड हो रहा है, देखिए आ गया। आप बुक नाउ में क्लिक कीजिएगा, देखिए ये इंटरफेस आ गया साइन इन का। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, आप पहली बार यहाँ एंटर किए हैं, तो आपका अकाउंट बनाना होगा। यहाँ देखिए आई डोंट हैव एन अकाउंट, इसमें क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट में आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, और वही पासवर्ड यहाँ कन्फर्म करना है, अपना नंबर देना है, आई एग्री करना है, और रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद देखिए आपको मेल में एक ऐसे एक्टिव अकाउंट करके आएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, हम सीधा चलते हैं लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लिए, देखिए ये आ गया इंटरफेस। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू बुकिंग में क्लिक करना है। अब यहाँ बोला है अपॉइंटमेंट डिटेल्स, अपॉइंटमेंट डिटेल में यहाँ बोला चूज योर एप्लीकेशन सेंटर। 22 एप्लीकेशन सेंटर है इंडिया में, इतने सारे सिटीज में है, जो आपका सिटी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई करीबी सिटी है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिटी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो, जैसे मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पूछ रहा है, सेकंड वाले में पूछ रहा है चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी। चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी किस तरीके का वीज़ा में आप जा रहे हैं, शेंगेन वीज़ा में जा रहे हैं तो शेंगेन वीज़ा सेलेक्ट कर लीजिए, कर लेंगे। फिर बोला है कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं, टूरिज्म है तो टूरिज्म सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए तीन डेट दे रहा है यहाँ पे, 18, 19 और 6, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर जो है वो देना होगा, करंट नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट एक्सपायरी। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। जो आपका फर्स्ट नेम होगा पासपोर्ट है वो दे दीजिएगा, फिर जो आपका लास्ट नेम होगा वो दे दीजिएगा, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप होंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मीन्स आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। फिर आप अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासपोर्ट नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे, फिर एक्सपायर जब कब हो रहा है वो दे दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो आपका नंबर है। आपको अपना ईमेल मीन्स एड्रेस देना है यहाँ पे। मैं आपको सब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आपको करेक्ट सब कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। फिर अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ये कुछ सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरा जो मैं एड्रेस वेड्रेस दे रहा हूँ, स्टेट वेस्ट बंगाल रहेगा, जो आपका स्टेट रहेगा वो दे दीजिएगा, सिटी कोलकाता। आपको यहाँ पे अपना सब कुछ देना है, मैं सब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। पोस्टल कोड दे दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा, फीस बता दिया, देखिए आपको अमाउंट इतना लगेगा, 1700 14 रुपया।
ठीक है। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है चूज अ स्लॉट वॉक इन एनी टाइम, जो यहाँ पे मीन्स एक आपको ऑप्शन दिया, वॉक इन भी आप जा कर सकते हैं जब आपका मन हो। तो चूज एन स्लॉट में आप चूज कर लीजिए स्लॉट 18, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपके लिए इजी रहे वो आप चूज कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ बोल रहा है टाइम 10:19 में सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सर्विस बोल रहा है, देखिए ऐसा सर्विस दे रहा है, प्रीमियम लॉन्च कोरियर फीस, कोरियर मीन्स ये आपको ना डिलीवर कर देगा आपके होम में, अगर आपका आपका कोलकाता के नहीं है, कोई और स्टेट मीन्स स्टेट कोई स्टेट ने मीन्स कोलकाता के बाहर अगर आप रहते हैं, मैं कोलकाता वाले के लिए बता रहा हूँ, तो ये आपको डायरेक्ट आपके घर में आ जाएगा। SMS का भी हो जाएगा, 130 rupees आपको SMS से सब अपडेट होता रहेगा। कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा, जो आपको लगे कि हाँ इसमें लिए बेहतर हो। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया, यहाँ पे फिर बोल रहा है बस चेक कर लीजिए, ये है ट्रैवल असिस्टेंट विद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का, ठीक है। आप अगर लेना चाहते हैं एग्री करके कंटिन्यू कर दीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो। देखिए फिर यहाँ बोला आप रिव्यू कर लीजिए, जो जो आप लिए हैं जो जो है देख लीजिए आप, आई एक्सेप्ट आई एग्री यस करके पे ऑनलाइन करके हो गया आपका, और आपको कुछ नहीं करना है, आपका अपॉइंटमेंट बुक पे ऑनलाइन कीजिएगा, वो पैसा यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ वो भी, ठीक है। कंटिन्यू किए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट से दीजिएगा या फिर डेबिट से दीजिएगा, यहाँ अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है वीजा मास्टर, पे नाउ में क्लिक कीजिए, वहाँ पे बोलेगा कि आप अपना सब डिटेल विटेल देने के लिए, ये देखिए डिटेल डिटेल देने बोलेगा, वो दे करके आप पे नाउ करिएगा, आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये हम लोग आ गए हैं शॉर्ट टर्म्स में, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में देखिए इतना सारा ऑप्शन है, चेक लिस्ट ऑफ ट्रेड फेयर, एयरपोर्ट ट्रांजिट, बिजनेस वीज़ा, ट्रेनिंग वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो हम लोग टूरिस्ट वीज़ा में क्लिक करेंगे। ये लोड हो रहा है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करके आप यहाँ पे पढ़ देखिए, आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, सरनेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, पासपोर्ट नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है कि क्या आप फॉर्म फिल कर चुके हैं पूरा कम्प्लीटली, येस कीजिएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे सिंपली येस नो में आपको जवाब देना है। साइन डिक्लेरेशन ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस है तो मीन्स येस कीजिएगा। वैलिड पासपोर्ट अगर आपके पास है तो येस कीजिएगा। फिर आपको बायोमेट्रिक मीन्स कॉपी ऑफ बायोमेट्रिक एड्रेस पेज ऑफ पासपोर्ट है तो येस कीजिएगा। सिंपल ये आपसे मीन्स डॉक्यूमेंट के ही बारे में पूछ रहे कि क्या आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, वही सबके बारे में पूछेगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस, फ्लाइट रिजर्वेशन, मतलब रिटर्न टिकट है तो येस कीजिएगा। नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना आपको मालूम है। सिर्फ येस नो में आपको टिक करना है, फिर ये आप छोड़ दीजिए, वहाँ आप जाके पूछ लीजिएगा वीज़ा ऑफिस में, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ख़त्म। यही है डिक्लेरेशन। होप आप जान गए होंगे आपको कैसे अप्लाई करना है जर्मनी का टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। जो सबसे पहले आता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल किए हैं, वो आपको प्रिंट आउट करके रखना होगा। देन है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी लास्ट 6 months तक होनी चाहिए। देन आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, जो वाइट बैकग्राउंड हो तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रखना होगा 30,000 euro का। देन आपको रिटर्न टिकट लगेगा, उसके बाद आपका होटल रिजर्वेशन लगेगा, जिसको बोलते हैं होटल बुकिंग कहते हैं, वो आप करके रखिएगा। अब बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कवर लेटर और आइटनरी। अगर आपको नहीं आता है बनाने, मैं कंप्लीट डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, अब बहुत ईजी और बहुत सिंपल वे में बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ईजी और बहुत सिंपल वे है। और लास्ट जो है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 months तक का लगेगा, आपको दिखाना होगा। और कुछ एडिशनल है जो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लें, अगर ये आपके पास है तो आप उसे अटैच कर दीजिएगा। ये था डॉक्यूमेंट जो जर्मनी टूरिस्ट वीजा में आपको लगेगा। अब बात करेंगे फीस कितना है जर्मनी टूरिस्ट वीजा का। देखिए 80 euro होता है, अब इंडियन रुपीज में अप एंड डाउन होता है, आप देख लेना जब आप बिल करोगे, जब आप पैसा दोगे तो उस टाइम आप कैलकुलेट कर लेना, वो आपको मालूम हो जाएगा। 80 euro ही लगता है।
तो ये था कंप्लीट डिटेल जर्मनी टूरिस्ट वीजा के ऊपर। होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।